नमस्कार, वनिंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। सरकार का ये प्रयोग सफल रहा है। सड़क निर्माण की कई एजेंसियों ने अब तक देश में 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाने में प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल किया है। खास बात यह है कि इनमें खर्चा भी कम हुआ है। आपको बता दें, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जुलाई 2016 में सड़क निर्माण में ठोस और प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल करने की घोषणा की थी। दशकों बाद प्लास्टिक कचरे को ठिकाने लगाने की राह मिल गई है। प्लास्टिक से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का खतरा कम होगा। इसके खाने से पशुओं की जान नहीं जाएगी और कूड़ा बनाने वालों की अतिरिक्त कमाई होगी। वहीं एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा गुणवत्ता और क्षमता के अध्ययन के बाद जनवरी 2017 में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, नगर निगम, नगर निकाय जैसी सड़कों के निर्माण में 10% प्लास्टिक कचरे के प्रयोग करने के आदेश जारी हुए हैं। 11 राज्यों में 1,00,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं और चालू वित्त वर्ष में ये आंकड़ा दोगुना बढ़ेगा। इंडियन रोड कांग्रेस ने कोड ऑफ प्लास्टिक के नए मानक नवंबर 2013 में तैयार किए थे। प्लास्टिक कचरे को सड़क निर्माण में इस्तेमाल करने का ये विश्व का पहला कोड ऑफ प्लास्टिक है। असम में इस साल पहली बार राष्ट्रीय राजमार्गों में NHAIDCL प्लास्टिक कचरे का प्रयोग शुरू हो गया है। 270 किलोमीटर लंबे जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग में प्लास्टिक का कचरा मिलाया गया। नोएडा सेक्टर 14A में महामाया फ्लाईओवर तक सड़क निर्माण में 6 टन प्लास्टिक कचरा लगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के यूपी गेट के पास 2 किलोमीटर सड़क के लिए 1.6 टन प्लास्टिक कचरा लगा। दिल्ली के धोलाकुआ से एयरपोर्ट जाने वाले 1 किलोमीटर राजमार्ग में प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।